हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप हेमंत प्राशर को, जो सीमा का वकील है, उसको तो जानते होंगे, और श्रावणी मिश्रा जो जर्नलिस्ट है उसको भी आप जानते होंगे। तो आजकल ये दोनों के बीच में बहुत ही घमासान युद्ध चल रहा है, तू-तू मैं-मैं चल रही है, एक दूसरों को धमकी दी जा रही है। जी हाँ, तो जैसे हेमंत प्राशर का कहना है कि श्रावणी मिश्रा उनको बोलती है कि मैं तुम्हारे खिलाफ केस कर दूंगी, तुम्हें मरो, लगातार उसे प्रेशर दे रही है सीमा के बेल को रिजेक्ट करवाने के लिए। तो ये हेमंत प्राशर का इल्जाम है श्रावणी मिश्रा पर, और श्रावणी मिश्रा कहती है कि ये हेमंत प्राशर उसको धमकियां दे रहा है, गालियां दे रहा है, और क्या कुछ नहीं कह रहा है। तो ये आखिर क्या हो रहा है? ऐसा है कि जैसे कि आप जानते हो, ये श्रावणी मिश्रा एक ऐसी पहली जर्नलिस्ट है जो हैदर भाई के सपोर्ट में बात करती है, और एपी सिंह को ऐसे सवाल पूछती है जो एपी सिंह देने के लिए भी कतराता है और जोश में और गुस्से में आ जाता है। तो ये पहली ऐसी जर्नलिस्ट है जो सीमा के खिलाफ आवाज उठाती है। नहीं तो हर कोई जर्नलिस्ट हो गया या मीडिया के रिपोर्टर्स हो गए, ये सब सीमा के चाटू हैं जो सीमा के फेवर में बात करते हैं अपने चैनल को चमकाने के लिए। तो ये मैं हेमंत प्राशर से पूछना चाहती हूँ, आप कैसे श्रावणी मिश्रा को इतना उल्टा सीधा बोल सकते हो, गालियां दे सकते हो और धमकी दे सकते हो उस सीमा के लिए, जो सीमा को आपने बेल पे छुड़ाया था, फिर भी उसने दगाबाजी की आपसे, आपसे दगा की, आपके पीठ के पीछे खंजर खोपी और आपको इतना उल्टा सीधा बोली। हाल ही में उसने कितने गाली गलौज आपके लिए किया, और आप उसी सीमा के सीमा का बेल रिजेक्ट नहीं करवा रहे, जबकि सब दुनिया पूछना चाहती है कि आप उसका बेल रिजेक्ट क्यों नहीं करवा रहे। इसी तरह श्रावणी मिश्रा भी आपके पीछे पड़ी है उसका बेल रिजेक्ट करवाने के लिए, क्योंकि हम नहीं चाहते सीमा हैदर इस हिंदुस्तान में रहे, और हम चाहते हैं कि गुलाम हैदर को जस्टिस मिले, उसको इंसाफ मिले, उसके बच्चे उसको मिले। तो यही वजह है हम चाहते हैं कि सीमा भगोड़ी जो इलीगल तरीके से आई है तारों के नीचे से, तो उसको हम चाहते हैं उसको सजा मिले, वो जेल की सलाखों के पीछे रहे। तो यही वजह है हमारी। तो क्यों आप इतना खफा हो रहे, इतना गाली गलौज कर रहे हैं श्रावणी मिश्रा के साथ? श्रावणी मिश्रा हक की लड़ाई कर रही है, और हम भी चाहते हैं कि श्रावणी मिश्रा ये हक की लड़ाई लड़े एटलीस्ट, क्योंकि हर बोलते ना मीडिया वाले जर्नलिस्ट जो दूसरे हैं सब बिके हुए, सब सीमा के सपोर्ट में, सब लोग सीमा के सपोर्ट में बात करके सीमा को इतना बढ़ावा दे दिया है, अपने चैनल चमका रहे हैं उस वजह से। तो श्रावणी मिश्रा तो ऐसी बिल्कुल नहीं है। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं आपको रिकॉर्डिंग सुनाती हूँ, सुनिए क्या हेमंत प्राशर का कहना है और श्रावणी मिश्रा का कहना है, इन दोनों की रिकॉर्डिंग सुनिए। इतना प्रेशराइज कर रही है, इसकी बेल कैंसिल करा, बेल कैंसिल करा, अगर तूने इसकी बेल कैंसिल नहीं कराई तो तुझे जान से मरवा दूंगी और तुझे झूठे मुकदमे में फंसवा दूंगी, उसने मुझको इतना तक कहा। तो बताइए, मैं अपनी वकालत करूंगा या उसकी बेल कैंसिल कराऊं या अपने परिवार को पालूं मैं? पर उसने तो मुझसे कह दिया है कि जान से मरवा दूंगी और तेरा ये कर दूंगी, पर मैं उसको बहुत जल्द जवाब ऐसा दूंगा कि खुदा की रहमत से उसको जवाब बहुत अच्छा दूंगा मैं। मुझे धमकी क्यों दे रहे हो? क्यों धमकी दे रहे हो? सीमा हैदर का केस अगर नहीं मिल रहा है तो मुझे क्यों धमकी दे रहे हो? सीमा हैदर का अगर केस क्यों मांग रहे हो? उसका केस सीमा हैदर को क्यों कह रहे हो कि मैं केस लड़ना चाहता हूँ? क्यों सीमा हैदर का केस क्यों लड़ना चाह रहे हैं आप? और आपने उसका बेल कैंसिल कराने के लिए क्यों नहीं तैयार हैं? बताइए। और मुझे धमकी क्यों दे रहे हो? और मुझे धमकी क्यों दे रहे हो ये बताओ, मुझे धमकी क्यों दे रहे हो? क्यों धमकी दे रहे हो? सीमा हैदर का केस अगर नहीं मिल रहा है तो मुझे क्यों धमकी दे रहे हो? सीमा हैदर का अगर केस नहीं मिल रहा है तो क्यों धमकी दे रहे हो मुझे? बताओ। हाँ बताओ, क्यों मांग रहे हो उसका केस? सीमा हैदर को क्यों कह रहे हो कि मैं केस लड़ना चाहता हूँ? क्यों सीमा हैदर का केस क्यों लड़ना चाह रहे हैं आप? और आपने उसका बेल कैंसिल कराने के लिए क्यों नहीं तैयार हैं? बताइए। और मुझे धमकी क्यों दे रहे हो? और मुझे धमकी क्यों दे रहे हो ये बताओ, मुझे धमकी क्यों दे रहे हो?
वो तुझे धमकी क्यों धमकी दे रहे हो? सीमा सीमा हैदर का केस अगर नहीं मिल रहा है तो मुझे क्यों धमकी दे रहे हो? सीमा हैदर का अगर केस नहीं मिल रहा है तो क्यों धमकी दे रहे हो मुझे बताओ? हाँ बताओ, पब्लिसिटी के लिए क्यों ऐसा कर रही है तू? हाँ बताओ बताओ, बताओ अभी बताओ ना, बताओ 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 अभी बताओ हेमंत पराशर, अभी बताओ आप बताओ, सीमा हैदर का केस नहीं मिल रहा है तो मुझे धमकी दे रहे हो? हाँ, और इधर उधर की बातें कर रहे हो जिस तरीके से लाइव पे करते हो आप, उसी तरीके से रात के 10 बजे मुझे फोन करके मुझे धमकी दे रहे हो? बताओ हेमंत पराशर जी, हेमंत पराशर जी बताओ, आप मुझे धमकी दे रहे हो? आप कल नहीं अभी की बात करो, अभी आपने फोन किया ना मुझे, आप बताओ कि सीमा हैदर अगर आपको अपना केस नहीं दे रही है तो आप एपी सिंह का फ्रस्ट्रेशन मेरे ऊपर निकाल रहे हो, क्योंकि एपी सिंह ने आपके केस को छीन लिया है तो आप उसका फ्रस्ट्रेशन मेरे पर निकाल रहे हो? मैं क्या बोलती रहूं, फोन आपने किया है ना? अरे तूने कल क्यों फोन मेरे पास किया? मैंने तो मैंने आपको फोन किया था ना, क्योंकि आपने जो बयान दिया था बेल, अच्छा बेल कैंसिल क्यों नहीं करा रहे हो आप ये बताओ? सीमा हैदर का बेल क्यों नहीं कैंसिल करा रहे हो? बेल कैंसिल क्यों नहीं करा रहे हो सीमा हैदर से? कितने में पूरी दुनिया को मतलब है, पूरी दुनिया को मतलब है, तेरा मतलब नहीं पूरी दुनिया को मतलब है, जहाँ बैठते हो ना, जहाँ बैठते हो ना। अरे फ्रस्ट्रेटेड आदमी, अरे फ्रस्ट्रेटेड आदमी सुनो, फ्रस्ट्रेटेड आदमी सुनो, फ्रस्ट्रेटेड आदमी सुनो, सुनो सुनो सुनो, ये जो पाकिस्तान में बैठकर अपने इंडिया की बदनामी करते हो उसके लिए कितने पैसे मिले हैं? मतलब इंडिया के रहने वाले तू ही है, हम तो इंडिया के रहने वाले हैं ना? नहीं, इंडिया इंडिया सीमा हैदर का किसने? तू ही है, वो है भारत के रहने वाली, हम नहीं है भारत के रहने वाले। अच्छा, सीमा हैदर से कितने, सीमा हैदर का बेल कैंसिल नहीं कराने के लिए कितना, कितने में डील हुआ है? तू ही भारत की रक्षक है, हम नहीं। हाँ तो रक्षक तो क्यों कराया बेल, सीमा हैदर का बेल क्यों कराया? तुझ पे भारत का आधार कार्ड है, हम पे नहीं है। और अरे तुझे, तूने मेरे पास कल फोन क्यों किया? क्या जरूरत थी तो तूने मेरे पास फोन किया? मैंने तो फोन किया था क्योंकि हमें खबर लगानी थी, इसलिए पूछा था, फोन किया था। अरे खबर तू क्या एपी सिंह के पास है, मेरे पास क्या है? एपी सिंह के पास खबर तो आपसे रिलेटेड थी ना, एपी सिंह के मेरे से मतलब क्या? क्योंकि बयान तो आपने दिया था, बयान तो आपने दिया था ना? अरे बयान दे रहा हूँ तो मतलब, बयान तो आपने दिया था ना? अरे बयान मैं दूंगा, तेरा क्या मतलब है? आप बदतमीजी क्यों कर रहे हैं? अरे मैं बदतमीजी कर रहा? आप बदतमीजी क्यों कर रहे हैं? मैं बहुत इज्जत से बात कर रही हूँ आपसे, आप क्यों बदतमीजी कर रहे हैं? तू इज्जत कर या मत कर, तू ही एक भारत की नागरिक है। सीमा हैदर का बेल कैंसिल नहीं कराने के पीछे का क्या कारण है? कितने में डील किया आपने? कितने में डील हुई नेत्रपाल से? कितने में डील हुई सचिन मीना से? कितने में डील हुई आपकी? हाँ, कितने में डील हुई है आपकी? आप क्यों नहीं बेल कैंसिल करा रहे हैं? अरे सुन ले, क्यों करवाऊं? तू आजा मेरे पास आजा। मैं आके क्या करूंगी? मैं आके क्या करूंगी? मैं हाँ सुनाओ, हाँ सुनाओ, तू तड़ाक क्यों कर रहे हो हेमंत पराशर? तू तड़ाक क्यों कर रहे हो? मैं भी होती कौन है तू? मैं कौन होती हूँ? पूरी दुनिया जानती है मैं कौन होती हूँ। तो फ्रेंड्स, आपने देखा वीडियो, ये पूरा वीडियो मैंने नहीं चलाया क्योंकि उनकी हेमंत पराशर की जो कुछ भाषा थी, कुछ लैंग्वेज थी, अकॉर्डिंग टू कम्युनिटी गाइडलाइंस कुछ अच्छी लैंग्वेज नहीं थी, अच्छे शब्द नहीं थे, इसके लिए मैंने। फिलहाल हम लोग यही चाहते हैं कि सीमा हैदर की बेल रिजेक्ट हो जाए, और ये हेमंत पराशर ही कर सकते हैं, उनके हाथ में है, पर वो किसी वजह से नहीं कर रहे हैं। तो फिलहाल आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, खुदा हाफिज़, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।